मैं रहमतुल्लाह। आप देखो दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्ष यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों 1965 और पर आई थिंक मुझे लगता है ये है टाइटल मुझे नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ी सी देख हिंदी में टाइटल है भाई, टाइटल हिंदी में है। चैनल का नाम है यूनिक डिस्कवरी, जिन्होंने देखने को भेजा है सर्च करके कोशिश करो, मैं लिंक भी नीचे दे दूँ, तो देखते हैं वीडियो फिर बात करते हैं। दोस्तों समय था 1965 का, सरहद पर जंग के आसार बन रहे थे। जंग के हालात बनते ही घर लौटे सिपाहियों को भी वापस लौटने का आदेश मिल रहा था, और एक ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में होता है। गाजीपुर के धामपुर गांव का सिपाही अब्दुल हमीद भी अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। जैसे ही उन्हें सरहद पर जंग की सूचना मिलती है, वे आनन फानन में ही घर से रवाना हो जाते हैं। बुजुर्ग माता पिता को तो ये भी नहीं पता था कि वे बेटे हमीद को आखिरी बार देख रहे हैं। अब्दुल हमीद के घर से निकलने से लेकर रेलवे स्टेशन तक कई बार अपशकुनों का सामना करना पड़ा था। परिवार वाले बड़े ही चिंतित हो रहे थे। हमीद सुबह जब कपड़े पैकिंग कर रहे थे, तब अचानक कपड़ों वाली रस्सी टूट गई थी। जैसे ही दोस्त साइकिल लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जा रहा था, तब साइकिल की चेन भी टूट गई थी। जैसे ही भाग दौड़ कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तो रेल भी चली गई थी। ये शायद कुदरत का इशारा था या कुछ और, फिर भी इस जांबाज ने हार कहां मानी थी। रात की आखिरी ट्रेन में बैठकर पंजाब के लिए रवाना हो गए थे, और अगली सुबह ही अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात हो गए थे। असल में 1962 की जंग में जैसे ही हम चाइना से हार गए थे, तो पाकिस्तान ये मान बैठा था कि अब भारत को हराना आसान है। इस समय हथियारों के मामले में पाकिस्तान तेज बढ़ रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका से वे टैंक खरीदे थे जो अब तक अपराजय माने जा रहे थे। असल में ये पैटर्न टैंक थी जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। असल में 1965 की जंग का प्लान पाकिस्तान ने 1962 से ही तय कर लिया था। समय था सितंबर 1965 का, सरहदें सुलग रही थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर दो तरफ से भारत पर हमला कर दिया था। एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवा रहा था, तो दूसरी तरफ पंजाब प्रांत में वो हमले को अंजाम दे रहा था। अब तक भारतीय साजिश से अनजान था, अब अब्दुल हमीद की लोहा लेने की बारी थी। 3 साल पहले भी अब्दुल हमीद ने 1962 की जंग में चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब्दुल के चर्चे तो फौज में भर्ती होते ही शुरू हो गए थे। एक समय की बात है, उन्होंने एक आतंकवादी इनायत खां को पकड़कर अपने उच्च अधिकारियों को सौंप दिया था। तभी तो ये साधारण सिपाही अब्दुल हमीद लांस नायक की तरक्की पा ली थी। एक बार अब्दुल हमीद ने अपने भाई से भी जिक्र किया था कि भाई पलटन में तो उन्हीं की इज्जत होती है जिनके पास कोई न कोई चक्कर होता है, मैं भी जंग में लड़कर कोई न कोई चक्कर जरूर लेकर लौटूंगा। समय था 5 सितंबर 1965 का, लड़ाई का हुक्म मिलता है। सैनिक अपने बैरक में लौटकर हथियारों की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज पंजाब प्रांत के खेमकरण सेक्टर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी। आसपास के इलाके में कपास और गन्ने के बड़े बड़े खेत थे। जैसे ही 4th ग्रेनेडियर पलटन को दुश्मनों को रोकने का टास्क मिला था, इसी 4th ग्रेनेडियर में तैनात थे क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद और उनकी टीम ने पूरी रात रुककर इन कपास और गन्ने के खेतों में पाकिस्तानी टैंकों का इंतजार किया था। 10 सितंबर 1965 सुबह के 6 बज रहे थे, तभी अचानक पास ही के खेतों में टैंकों की आवाज सुनाई दी। भारतीय फौजी तैयार हो ही रहे थे कि अचानक पाकिस्तान ने पैटर्न टैंकों से गोले बरसाते हुए दुश्मन फौज भारतीय सेना पर टूट पड़ी थी। अब्दुल हमीद ये जान गए थे कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ है और भारतीय सेना उनके सामने टिक नहीं पाएगी। अब्दुल हमीद ने तुरंत ही अपने ड्राइवर मोहम्मद नसीम को गाड़ी लगाने के लिए कहा, और आनन फानन में ही वे मोर्चा संभाल रहे थे। अब्दुल हमीद एक वीर जांबाज थे, उन्हें गर्व था अपनी मिट्टी पर।
वे बचपन से ही देशभक्ति कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। लाठी और गुलेल चलाना तो वे बचपन में ही सीख गए थे, अब तो गोला बारूद चलाने की बारी थी। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान और माता सकीना बेगम थी। असल में यह जंग वाला एरिया खेमकरण सेक्टर का असल उतार गांव था। भारतीय सैनिकों के पास उम्दा हथियार नहीं थे, था तो केवल इस मिट्टी के लिए लड़ने का जज्बा और हौसला। शायद पाकिस्तानी भूल गए थे कि जंग तो हौसलों से ही जीती जाती है। भारतीय पलटन अपनी साधारण 303 राइफल और LMG से अमेरिकी पैटर्न टैंकों का सामना कर रही थी। सिपाही अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी। यह जीप ही इन पैटर्न टैंकों के सामने केवल खिलौना मात्र थी। इस जीप को चला रहे थे मोहम्मद नसीम और पासी में बैठे थे अब्दुल हमीद। पाकिस्तानी टैंक धीरे धीरे गन्ने और कपास के खेतों से बाहर निकलकर भारतीय सेना की तरफ आ रहे थे। अब अब्दुल हमीद इन पैटर्न टैंकों को अपनी रेंज में आने के लिए इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही ये टैंक रेंज में आया तो अब्दुल हमीद ने इस गन से फायर कर दिया था और अगले ही पल यह टैंक आग की लपटों में आ गया था। दुश्मनों में खलबली मच गई थी। एक के बाद एक करीब 4 टैंकों को आग के हवाले कर दिया था। जीप में लगी यह गन ही पाकिस्तानी फौज का सामना कर रही थी, लेकिन इस गन की भी एक कमजोरी थी। इसे एक बार फायर करने के बाद इसे छिपाया नहीं जा सकता था, जिससे दुश्मन इसका पता लगाकर पल भर में ही ध्वस्त कर सकते थे। इस तरह जांबाज अब्दुल हमीद ने 7 पाकिस्तानी टैंकों को एक के बाद एक ध्वस्त कर दिया था, और वह भी इस जीप में लगी गन से। अब आमने सामने की लड़ाई थी। एक मुस्लिम फौजी दूसरे मुस्लिम फौजी के सामने आंख से आंख मिलाकर लड़ रहा था। पाकिस्तानी फौज ने अब्दुल की जीप पर फायर कर दिया था, और तुरंत ही अब्दुल ने भी अपनी जीप से एक ऐसा ही फायर किया था। अब्दुल का निशाना भी गजब का था, मगर हमीद की जीप के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वहीं पाकिस्तानी टैंक के भी परखच्चे उड़ गए थे। पाकिस्तानी गोला अब्दुल हमीद को चीरता हुआ निकल गया था। कपास के खेत में अब्दुल हमीद के चीतड़े चीतड़े बिखर गए थे। अब्दुल हमीद तो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर पलटन में एक आग को पैदा कर दिया था। हमीद के त्याग को देखकर भारतीय सेना जोश में आ गई थी। सैनिकों का ऐसा जज्बा देखकर पाकिस्तानी भाग खड़े हो गए थे। खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तान के करीब 100 पैटर्न टैंक आए हुए थे। भारतीय सेना ने यहाँ एक तरकीब को अपनाया, नहर का पानी खोल दिया था, जिससे यह एरिया जलमग्न हो गया था। अब पाकिस्तानी पैटर्न टैंक इस दलदल में फंस कर रह गए थे। भारतीय फौज ने खेमकरण सेक्टर में करीब 100 पैटर्न टैंकों को अपने कब्जे में लिया था। खेमकरण सेक्टर को पाकिस्तानी टैंकों का कब्रगाह बना दिया था। अब्दुल हमीद के ड्राइवर मोहम्मद नसीम ने कपास के खेतों से हमीद की बॉडी के अवशेषों को इकट्ठा किया था। मौलाना को बुलाया गया, वे फातिहा पढ़ा और इसी मिट्टी में उन्हें सम्मान के साथ दफनाया गया था। ऐसे हजारों वीरों के बलिदान की बदौलत ही हम 65 की जंग जीत पाए थे। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था। उनकी पत्नी रसूलन बीबी ने राष्ट्रपति राधा कृष्णन से ये परमवीर चक्र प्राप्त किया था। माँ भारती के इन वीर सपूतों को यूनिक डिस्कवरी टीम बार बार नमन करती है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब के साथ ही वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि ये सिलेक्शन थी रहमतुल्लाह की, ये मेरी सिलेक्शन नहीं है। तो लेकिन निकला कुछ और ही। ये तो एक अब्दुल हमीद जो उनके जांबाज थे इंडियन फौज के, उन पर डॉक्यूमेंट्री थी। तो चले ये भी अच्छे ही हो गया। तो मतलब जहाँ से इंडियन गवर्नमेंट इंडियन फौज के अंदर एक ताज़ा दम हो गया था, मतलब उनके अंदर एक जोश आ गया था, एक बदला आ गया था, वो स्टार्टिंग पॉइंट यही था कि जब अब्दुल हमीद को मतलब गोला लगा तो वो उनकी मौत हुई। उसके बाद मतलब कि ये सारी वार के अंदर तेजी आई। तो
इस पर भाई देखो, जान किसी के हक में मुझे नहीं लगता कि हक में होती है। अब रशिया यूक्रेन की जान हो रही है, क्या हम कहें कि रशिया हैवी हो रहा है तो रशिया के हक में? नहीं, रशिया के भी नुकसान हो रहा है, रशिया के भी जवान मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के भी जवान मारे जा रहे हैं, कितने घर पे कितनी जो लड़कियां हैं वो अपना हो रही हैं, विडोज हो रही हैं, यानी कि बेवा हो रही हैं, ठीक है, कितने माओं के लाल मारे जा रहे हैं। तो क्या फायदा ऐसी जमीन, ऐसी उस जमीन के टुकड़े को या उन मफादात को क्या करना जो किसी की खुशियों पर मतलब वो कहा जाता है कि ऐसे महल का क्या करना जो किसी के कत्ल पर या किसी के अरमानों का गला घोंट कर बनाया गया। ये तो वही बात है कि यूक्रेन रशिया में वार चल रही है तो किसी के कितने के अरमान है, कितनी जवान लड़कियों के जो हस्बैंड है वो मारे जा रहे हैं, कितने जो बच्चे हैं वो मतलब कि यतीम हो रहे हैं जो अपने बाप के साथ से। यार दुनिया कायनात की हर चीज़ मौजूद होना, हर चीज़ बाप का साया सर पर ना हो तो वो कुछ नहीं, मतलब वो वाला जो अट्रैक्शन, वो उन मोहब्बत प्यार जो वालदैन देते हुए भूख इंसान खास करके बच्चे भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन माशरे की लाह मतलब जो है सख्तियाँ जो बाप की वजह से उन तक नहीं पहुँचती वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब बाप का साया सर पर होता तो बच्चे भूख में भी खुश होते हैं, अफलास में भी खुश होते हैं, लेकिन जब बाप का साया सर पर होता जितना मर्जी उनके पास दौलत हो लेकिन वो सख्तियाँ वो सारा कुछ उनका माशरे को उन तक पहुँचता तो वो डल हो जाते हैं, यानी कि अफसूता हो जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि जंग किसी के हक में हो, आप अपना नजरिया, मुझे नहीं लगता कि जंग किसी के भी हक में होती है। अच्छा देखें कि ये जो थी ना एक मुस्लिम हीरो था, इंडियन हीरो वॉरियर, तो वो उसने भी अपने वतन को तरजीह दी। हाँ देख ले, मुस्लिम उसने नहीं देखा कि सामने कौन है, मुस्लिम सामने भी तो मुसलमान है। हाँ, और उसने अपने वतन के लिए जान जो है कुर्बान की, ऐसी लाखों मिसालें होंगी इंडिया में मुसलमानों की जिन्होंने अपने हिंदुओं से बढ़ चढ़ कर जो है ना आगे अपनी जान पेश की। और ये देख लें, इनके पास लड़ने के लिए हथियार भी इतने कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी ये उन उस वक्त के जदीद तरीन टैंकों के सामने जो है ना टिक गए, लड़े सामने होकर। आज इंडिया में मुसलमानों को क्रिटिसाइज किया जाता है कि तुम्हारा असल देश जो है वो पाकिस्तान है, मैंने मूवीज भी देखी हैं, अब उधर चले जाओ। सिखों ने और मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, हिंदुओं ने भी दी होंगी, लेकिन इन्होंने भी बहादुरी के साथ हकीकत बात है। ये असल मेन मुद्दा तो यह था कि एक मुबीन है, क्योंकि ये बहुत जंग है जिसके अंदर पाकिस्तान क्लेम करता है कि भाई ये वॉर हम जीते हैं, बाकी मैं इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ क्लेम नहीं करता, लेकिन ये वह जंग 1965 की जिसमें पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर कहता है कि भाई हमने दिफा किया अपने मुल्क का, और हमने मतलब जिसे हम यौम दिफा भी मनाते हैं 6 सितंबर को, 6 सितंबर को यौम दिफा भी मनाते हैं। बिल्कुल, तो ये एक मुहिम ही है जो हल अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन लोग सारे चैलेंज किया हुआ कि कोई पाकिस्तानी 65 की वार कोई भी वार है वो सारे पाकिस्तान आ रहा है तो किसी के पास तोड़ है जवाब है मुझे दे। तो ये ऐसे मेरे जहन में तो ये था कि 65 की वार पर, लेकिन चलो अब्दुल अमीर जो थे नेशनल उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए बाइनरी वीडियो बनाई हुई है, अच्छी बात है। जो आई मीन एनिमेशन की वो जो वीडियो बता रहे थे 1965 की, तो वो मेरे ख्याल से पता नहीं इसका क्या हुआ, लेकिन मैंने ये वीडियो की थी तो अच्छी बात है कि यार पहली मरतबा खुलकर ये सामने आई है। और उस भाई की कह रहे हैं कि काबिश को सलाम है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही था तो लेकिन फिर भी उसको सलाम कहते हैं। अच्छा बात यह है कि उस वक्त के जदीद तरीन टैंक थे पाकिस्तान के पास, और उस भाई के पास जो फजीद अब्दुल हमीद उसके पास वो एक जीप थी और जीप के ऊपर एक गन सी वो लगी हुई थी। तो उसने कहा जो वीडियो बनाने वाला, उसने कहा कि इससे उसने हमला किया जीप से जो उसके ऊपर गन लगे, तो एक जो सामने वाला टैंक था उस वक्त का बैटर टैंक वो भी तबाह हो गया। ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि भाई ने अपनी तरफ से ज्यादा ही कोशिश जो है ना उसने ऐड कर दिया है उस वक्त। जीप पर ऐसा कौन सा हथियार है, ये कौन सा वेपन है जिससे जो टैंक मैं भी यही सोच रहा था, बिल्कुल हैरान भी था कि मतलब जीप में ज्यादा क्या हो सकता भी कोई हो नहीं यार इस फर्ज काले को, और फिर सामने भी तो टैंक है यार, और फिर उस वक्त के जदीद तरीन टैंक है,
ये कहने के ज्यादा ही भाई ने कुछ ऐड कर दिया, बाकी हम उसको सलाम करते मैं करता हूँ, क्योंकि वो एक मुस्लिम था और फिर एक फौजी था, इसलिए उसने अपने मुल्क के जान के सामने बिल्कुल फरमान के टुकड़े हो सामने गए। चार मुस्लिम थे जो भी थे उसको उसने अपने मुल्क को तरजीह दी है, गद्दारी नहीं की, जान निसार हुआ बिल्कुल, तो ट्रिब्यूट देना बनता बहुत अच्छी बात है। और फिर उन्होंने अपने भाई हीरोज को जिंदा रखा हुआ है, जानकर की स्टोरियां बताकर लोगों को तक पहुंचा को एक मिलिट्री अवार्ड भी फिर दिया गया, अवार्ड भी देकर वैसे भी उन पर अब ये शॉर्ट फिल्म ही एक स्टोरी है तो कितने लोगों ने देखी। आज हम देख रहे हैं, कोई और देखेगा तो जाकर पता चलेगा सबको। जिस तरह वो शुरू से वीडियो में था कि जब वो अपनी छुट्टी में जो है ना मना रहा था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि बॉर्डर पर हालात खराब हो गए हैं, वो साइकिल पर जो है ना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की कोशिश करता है, साइकिल का चैन पहुंच जाता है। ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि उसकी मोहब्बत अपने वतन के लिए कितनी थी। जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है भाग कर, तो जो ट्रेन है वो निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो शाम की जो रात के टाइम की ट्रेन आती है उस पर पहुंचता है और सबसे आगे फ्रंट पर आके लड़ता है दुश्मन के साथ है। तो ऐसे होते हैं मुसलमान जो के जज्बे वाले होते हैं, ये उस भाई का जज्बा था। खैर मिलते हैं बड़े मैडम साहब, गॉड ब्लेस यू।